निवाड़ी जिले के गांव आसलवास की करीब 3700 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद को हल करने के लिए दिल्ली में आसलवास भूमि अधिग्रहण कमेटी के किसानों और सरकार की ओर से बनाई कमेटी के सदस्यों के बीच हुई बैठक विफल रही। सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष मंत्री रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं। इस बैठक में कमेटी के सदस्य और मंत्री राम नरेंद्र भी मौजूद हैं। किसानों के साथ हुई बैठक के विफल रहने के बारे में मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि किसान 35 सेकंड में बैठक को छोड़कर चले गए और किसानों द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। रोहतक पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसने एक एटीएम चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर 19 वारदातों का खुलासा किया। गिरोह के सदस्य 7 जिलों में एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने चोर गिरोह के सदस्य की कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरोह के सदस्यों ने रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, हिसार, पानीपत और गुड़गांव में एटीएम तोड़कर चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया। जींद में एक युवक से तेज धार हथियारों के बल पर लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने पहले तो युवक से हथियार के बल पर रुपए मांगे, जब युवक ने देने से मना किया तो उसे बुरी तरह घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिरसा में एक व्यक्ति की अश्लील फिल्म तैयार करके उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरसा पुलिस ने सट्टा पकड़ने की आड़ में एंटी करप्शन अधिकारी बनकर लोगों के घरों में जाकर उन्हें ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से कई फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में एक बार फिर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गुड़गांव पुलिस ने साउथ सिटी फेज 1 इलाके में एक मकान से 3 विदेशी लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2 दलाल मनोज और करण मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 विदेशी लड़कियों का मेडिकल कराकर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से 3 विदेशी लड़कियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया। महेंद्रगढ़ के पाली गांव के पास एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को महेंद्रगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।